Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamualaikum, Amna. जी वालेकुम हसन. Amna, आज हमने एक बड़ा serious matter discuss करना है हमारे session में और एक ही topic के ऊपर हम बात करेंगे. वो है ज़िंदगी तमाशा की release. जी. हमने briefly इस topic के ऊपर बात की थी जब हमने पाकिस्तानी films के ऊपर अपनी episode की थी Hot Bites की. जी. But I think in light of recent development. हमें चाहिए कि हम एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करें ज़िंदगी तमाशा के ऊपर जी और लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करें चाहे जिनको नहीं पता कि एक्चुअली मसला है क्या. जी एक्चुअली ये फिल्म एक दो साल से सरमद कूसर बना रहे हैं और इसकी रिलीज़ जो है वो 2019 के एंड में होनी थी तो ये डिले हो गई. डिले होते होते फाइनली उन्होंने लास्ट ईयर ये डेट अनाउंस की कि 26 जनवरी को पाकिस्तान में 2020 में फिल्म रिलीज़ होगी. अच्छा, तीन सेंसर बोर्ड्स हैं हमारे मुल्क में, कोई एक सेंट्रल बोर्ड नहीं है इस वक्त. तीनों सेंसर्स के थ्रू सेंट्रल भी है जो इस्लामाबाद को, मगर वो सिर्फ फेडरल को करता है. जी, सेंट्रल वो कहलाता सेंट्रल है लेकिन उसका सिंध में और पंजाब में प्रोविंसेस के अपने हैं. तीनों जो सेंसर बोर्ड हैं उन्होंने फिल्म देखी और एक दफ़ा नहीं तीन दफ़ा देखी. दो दफ़ा देखी जाती है, चले मतलब मल्टीपल टाइम्स देखी, एक बार से ज़्यादा देखी. जी, और उसमें कट्स भी किए उन्होंने, जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल है उनके लिहाज से उन्होंने उसको कट किया. और सरमद ने जो अभी संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि कट जो हुए हैं उसमें कुछ डायलॉग्स और कुछ सीन ऐसे हैं मगर उससे फिल्म की फ्लो पे और स्टोरी पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा. सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद द कट्स एंड ही सेड इट्स क्लियर्ड फॉर रिलीज और एवरीथिंग इज़ फाइन. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बात करें, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, कट्स क्यों लगाए गए. तो इसका ज़िंदगी तमाशा का जब पहला ट्रेलर आया था, और हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमारी अर्लियर वीडियो नहीं देखी, जी. अगर अभी तो वो प्रोमो शायद अवेलेबल है भी नहीं, सरमद ने उन्होंने हटा दिया यूट्यूब से. जी. बट जब वो ट्रेलर आया था तो इट रिवॉल्व्ड अराउंड सेंट्रल कैरेक्टर जो कि एक शायद नात ख्वां है. जी. और नात ख्वां की कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है जिस वजह से उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाता है, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, इवन उनकी अपनी जो बेटी होती है वो उनसे नाराज़ हो जाती है और लोग भी काफ़ी उनको तनकीद करते हैं. जी. ये हमें पता नहीं है कि उस वीडियो में एक्चुअली क्या चीज़ रिवील होती है या क्या चीज़ लीक होती है, उन्होंने किया क्या होता है, मसला है क्या, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हमें नहीं पता. जी. उसके लिए हमें फिल्म ये देखनी थी कि एक्चुअली होता क्या है. मगर मैं ये सोचूंगी कि जो हमारी सेंसर बोर्ड्स हैं वो दे आर मोर कंजर्वेटिव देन लिबरल, अगर उन्होंने फिल्म की रिलीज़ अलाउ कर दी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है. जी, सेकंड पॉइंट अब यही आता है कि उस वक्त कुछ ऐसा हमारा जो एक सेगमेंट है सोसाइटी का, कुछ ऐसी रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल, रिलीजियो पॉलिटिकल होता है पॉलिटिकल, समझ गए जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, पार्टीज हैं, उन्होंने विदाउट टेकिंग एनी नेम्स उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए कि जी ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है. अच्छा, सबसे डिप्रेसिंग खबर आज सुबह की ये थी कि ये फिल्म की स्क्रीनिंग अब दोबारा होगी जिसमें TLP के नुमाइंदा और इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव. ये लेट्स ब्रेक इट डाउन. तो पहले उन्होंने ये ऑब्जेक्शन, मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी हो ना सबको, हमें भी पता हो कि हम क्या किस तरह से क्या बात कर रहे हैं और सब ऑडियंस को भी समझ आ रही हो. पहली चीज़ तो ये उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया जिस वजह से इसको फिल्म को एक बार सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया, दोबारा भेजा गया. और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है ट्रेलर देख के, ट्रेलर देख उन्होंने फिल्म पूरी फिल्म अभी तक किसी ने इनमें से नहीं देखी. जी. सेंसर बोर्ड ने दोबारा फिल्म देखी. जी. दोबारा फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने माइनर कट्स के बाद दोबारा उसको क्लियर कर दिया. जी. ठीक है, जिसके बाद ये अनाउंस किया गया कि जी ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी नेशन वाइड. इससे पहले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म एक्चुअली स्क्रीन हुई है और ना सिर्फ स्क्रीन हुई है वहां पे इसने अवार्ड भी जीता है. जी. ठीक है जी. अच्छा, अब बात आती है कि जब ये अनाउंस हो गई रिलीज डेट के 25 जनवरी को हो रही है, सेंसर बोर्ड दोनों ने क्लियर कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर दोबारा थ्रेट्स किए गए सरमद कूसर को, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, दोबारा ये बात की गई जी कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगी अगर इस फिल्म की रिलीज को रोका नहीं गया, जिसके ऊपर सरमद कूसर ने ओपन लेटर्स लिखे दो बार. सरमद मिले थे संडे को जो उनके मीट एंड ग्रीट पे और ही वाज वेरी डिप्रेस्ड. उन्होंने कहा अगर मैं अकेला एक बंदा होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती, मेरे साथ पूरी टीम है, पूरे कास्ट है, क्रू है, मैं हाउ कैन आई जेपरडाइज देयर लाइव्स. सो इट वाज वेरी, एक्चुअली इट्स वेरी डिप्रेसिंग. मैं आप देख रहे हैं मेरा, मुझे बहुत, पता है. मुझे बट हमने बात करना इस पर जरूरी है. अच्छा जी, तो सरमद ने ये डिसीजन लिया कि जी 25 जनवरी को हम फिल्म रिलीज करेंगे,
दोबारा उनको थ्रेट्स आए, उन्होंने ओपन लेटर लिखा। पहले ओपन लेटर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया, प्रेसिडेंट को एड्रेस किया, गवर्नमेंट को एड्रेस किया और बोला कि जी मुझे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मुझे मदद करें, मेरी मदद करें। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नहीं। फिर उन्होंने दूसरा ओपन लेटर लिखा पाकिस्तानियों को और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि मुझे इतने इस लेवल के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, क्या मैं अपनी फिल्म पुल कर लूं और क्या हम ये डिसीजन लें कि हम ये फिल्म रिलीज नहीं करते। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर वेंसडे जो कि आज है, प्रोटेस्ट कॉल हुई थी बहुत मेजर टीएलपी की तरफ से। उन्होंने कहा हम बंद, और आपको पता है कि पहले भी उन्होंने जब प्रोटेस्ट की तो वो बंद कर देते हैं, रैलियां निकालते हैं। उन्होंने कहा जी कर दे। कल हमारे जो सेंसर बोर्ड हैं, अब यहाँ पे जो असल कन्फ्यूजन आती है वो शुरू होती है। पंजाब और सिंध के सेंसर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि इस फिल्म की रिलीज को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं टिल फर्दर नोटिस। जी अब कोई मुझे बंदा खुदा का, और उस नोटिस में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये एडमिट किया कि हमने ये क्लियर कर दिए फिल्म, हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओइंग टू रिलीजियस सेंटिमेंट। रिलीजियस सेंटिमेंट या सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि भाई इट माइट हर्ट रिलीजन। तो मेरा सवाल आपसे ही है, मुझे हमने ये बताएं, आपने बड़ी दुनिया देखी हुई है और आप ये सारे मामलात समझती हैं, ये सेंसर शेंसर वाले जो लोग हैं सेंसर बोर्ड में, पहला सवाल ये है कि क्या वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म एक नहीं दो नहीं मल्टीपल बार देखने के बाद अप्रूव कर दी है, क्लियर कर दी है, जिसको उनको क्लियर नहीं करना चाहिए था। पहला सवाल जी। दूसरा सवाल यह है कि अगर वो इतने इनकॉम्पिटेंट नहीं है और उन्होंने एक फिल्म क्लियर कर दी है, तो वो क्या ये जो सेंसर बोर्ड है ये इतनी पावरलेस और इतनी मतलब नाम की एक अथॉरिटी है कि उनकी कोई मैटर ही नहीं करता डिसीजन, क्लियर करे ना करे एक ही बात है उनके लिए। आप दोनों के सवालों के जवाब हैं जी इसका दोनों का जवाब है कि वो इनकॉम्पिटेंट भी है और पावरलेस भी है और पावरलेस भी है, बेसिकली टूथलेस। तो फायदा क्या फिर इन सेंसर बोर्ड्स का? पैसे बना रहे होंगे सेंसर पे, जो लोग बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो खुश हैं। हमारा मुल्क ही ऐसे चल रहा है, किसी के पास तो पावर नहीं है, पावर तो एक दो इदारों के पास है, इसके अलावा नहीं है। मगर मैं आपको याद कराऊंगी हसन, आपको याद है जब खुदा के लिए रिलीज हो रही थी जी, और इट वॉज ऑल्सो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, और उस वक्त भी ये था कि ये फिल्म तो रिलीज नहीं होगी, और इतना कॉन्ट्रोवर्शियल था कि अगर आपको याद हो कि जो फवाद का रोल जब अली जफर को पहले दिया गया था, अली ने नहीं किया जी, उनकी उस पर किडनैपिंग भी हुई थी कोई एक, और उसके अली बाद की? जी अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं ये रोल नहीं करूँगा, इट्स टू रिस्की, और फिर फवाद ने किया था। तो उस वक्त भी ये बहुत शोर मचा था कि ये फिल्म तो रिलीज़ नहीं होगी, और जियो ने टुक द स्टेप फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एंड इट वॉज रिलीज, इट वॉज अ हिट विद अ ग्रेट साउंड ट्रैक एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक फिल्म। अच्छा वो वक्त था मुशर्रफ का, ठीक है जी। ये वक्त कुछ बहुत ही अजीब है, मुझे तो समझ नहीं आई कि ये रातों रात हुआ क्या है। ये वही लोग हैं, हाउ इज द गवर्नमेंट बकलिंग अंडर देयर प्रेशर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा तो ये डेवलपमेंट कल तक जो हमने कहा कि सेंसर बोर्ड ने ये इशू कर दिया जी, रिस्ट्रिक्ट कर दी रिलीज। अच्छा रिस्ट्रिक्ट करने के बाद रिलीज जो सबसे गवर्नमेंट ने बेहतरीन स्टेप लिया, जो मेरा तो खून जो है वो बढ़ गया उस स्टेप से, उन्होंने ये डिसाइड किया फिरदौस आशिक कमान साहब का ट्वीट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को ये फिल्म रेफर कर रहे हैं। हाँ जी, वो ये डिसीजन लेगी कि ये फिल्म अप्रूव, मतलब एक तो ये कि मेरी लिमिटेड अकल समझ है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो इसलिए बनाई गई है कि जो भी कोई अगर लेजिस्लेशन पास होता है वो उसने देखना होता है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है या नहीं है जी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल उसका नाम है, तो इस्लामी नजरिए के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा कोई लेजिस्लेशन, आई थिंक ये उनका बुनियादी पर्पस है जी। तो अब फिल्में अगर वो प्रीव्यू करेंगे और देख के डिसाइड करेंगे, ये बात मुझे मेरे बिल्कुल सर, ये आप बताएं, आप पीटीआई की सपोर्टर हैं जी, मैं बिल्कुल सपोर्टर हूं, मैं जरूरी नहीं है कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूं तो उनके हर स्टेप की सपोर्टर भी हूं। दिस इज एन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग टाइम, मेरा तो आपको पता है सुबह से आई एम सो डिप्रेस्ड, बिकॉज पहली फिल्म थी ये साल की, वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट्स अ सरमद खुसत फिल्म, ही इज़ अ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट फिल्म मेकर, वो ऐसे फिल्म मेकर नहीं है कि वो ऑफेंसिव फिल्म बनाए या मैसेज को ऑफेंड करने वाली फिल्म बनाए। अच्छा मेरे दिल के कोने में एक आवाज़ आई कि काश प्रोटैगनिस्ट नाथ खान ना होते, बिकॉज बेसिक तो ये है कि किस तरह सोशल मीडिया सोसाइटी बगैर सोचे समझे एक इनग्रेन्ड मिसोजिनी को लेके एक बंदे को ऑस्ट्रसाइज करती है। दैट पर्सन कुड हैव बीन अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, दैट पर्सन कुड हैव बीन अ ग्रोसरी मार्ट का ओनर, कुड हैव बीन एनीथिंग,
बट ही इज़ अ नाथ खुआ विच आई प्रज्यूम दैट इज़ अ प्रॉब्लम. दिल के कोने से आवाज़ आई कि यार सरमद काश ये बंदा नाथ खुआ ना होता, कोई और होता फिल्म को कोई प्रॉब्लम ही ना होता, लेकिन वो नाथ खुआ है. और किसी भी फिल्म मेकर की क्रिएटिविटी पे कोई क्यों इन्फोर्स करे अपनी नज़र. मैं एक यहाँ पे कॉमेंट करना चाहूँगा छोटा सा. नाथ खुआ है सो वॉट, नाथ खुआ जो है वो भी हमारी सोसाइटी का उतना ही हिस्सा है जितना हम बाकी सब लोग हैं जी. नाथ खुआ क्या इंसान नहीं होते? उनकी जिंदगियों की स्टोरीज इंपॉर्टेंट नहीं होती? तो अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि यार कि एक हमारा ऐसा सेगमेंट है जिनको जिनकी स्टोरी शायद हम नहीं उस तरह से सुन पाते या देख पाते या समझ पाते, अगर उनकी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और जो कि आपने फिल्म अभी देखी भी नहीं है, आप देख तो लें. हो सकता है कि उन्होंने को इसको बुरे लाइट में ना दिखाया, हो सकता है कि जितना सरमद को हम जानते हैं, बल्कि कौन पागल का बच्चा होगा आजकल के पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो कि नाथ खुआ के खिलाफ फिल्म बनाए. हम यहाँ बैठे हुए बॉलीवुड को बहुत तनकीद करते हैं, ओ खान को आवाज़ उठानी चाहिए थी गवर्नमेंट के अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ. अरे आपकी गवर्नमेंट एक रोग बॉडी के खिलाफ आवाज़ नहीं अभी उठा सकती, एक फिल्म मेकर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, आप ये कह रहे हैं कि तीन मुसलमान इंडिया में अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं जुबान उठा रहे हैं? जहाँ पे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम आर वी ऑपरेटिंग इन राइट नाउ? दिस इज बियॉन्ड रिडिक्युलस. अच्छा एक रिडीमेबल चीज़ है, ठीक है जी, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू हैव टू प्ले टू द गैलरी. अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को फिल्म दे दें, वो इसको पार करें, और वो इसको पार कर देते हैं, तो आई वुड से कि स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि ठीक है यार उन लोगों को दो जो कि अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ पे, अगर वो इसको क्लियरेंस दे देते हैं आप फिल्म चला दें. अगर वो क्लियरेंस दे देते हैं और अगर वो नहीं देते, दिस इज़ अ टेरेबल प्रेसिडेंट टू सेट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट मुझे उम्मीद है कि वो दे देंगे, क्योंकि अगेन जो आपको ऐसी उम्मीद क्यों है? क्योंकि सरमद ने बारह बार, और वो ऐसे धोखेबाज और झूठे किस्म के मुझे शख्स लगते नहीं है, उन्होंने बारह बार ये बोला है कि जो फिल्म है उसकी जो थीम है उसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल है ही नहीं. बाय द वे ये फिल्म एजेंसीज और गवर्नमेंट के थ्रू क्लियर हो चुकी है पहले. भाई सेंसर बोर्ड से कोई फिल्म अगर मल्टीपल टाइम्स अप्रूव हुई है तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है. एग्जैक्टली exactly. मतलब आप ये देखें ना, हमारे सेंसर बोर्ड वाले चाहे आप उनको जो मर्जी कह लें, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिल्म मेकिंग की और ऑडियंस की और व्यूवरशिप की तो उनको होगी ना कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज दो तीन बार क्लियर नहीं की होगी. हर तरह के लोग सेंसर बोर्ड पे होते हैं, कंजर्वेटिव भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, वो ना क्लियरेंस देते हैं. ऑब्वियसली ना देते. मेरा सिर्फ प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल सही है. नहीं, मेरी सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो इस वक्त ये है कि अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई अर्लियर सेड, नोइंग पाकिस्तान के हालात, कौन पागल का बच्चा वैसी कोई ऐसी फिल्म बनाएगा जो नोइंगली उसको पता है कि भाई इतने खतरनाक कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं मुझे आके मार देंगे, वो क्यों बनाएगा? तो इल्तिजा सिर्फ इतनी है जिन लोगों को प्रॉब्लम है भाई कि देख तो लें फिल्म. और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा, दिस इज नथिंग न्यू. कोई भी फिल्म आ रही हो और फिल्म के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना, एंड ना ही ये दिस इज यूनिक टू पाकिस्तान. जी इंडिया में हमने बहुत बार देखा है कि उनके पद्मावत के साथ क्या हुआ हमें पता है बड़े अच्छे तरीके के साथ, रीसेंट एग्जांपल है. उसके अलावा बेशुमार ऐसी फिल्में हैं इंडिया में होती हैं, कोई अगर एक्टर बयान दे देता है वो अगले दिन सिनेमा जला देते हैं, उनकी एफिजीज जलाने शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे शिवसेना ने जिस तरह से थ्रेट किया, तो ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है. बात ये है कि अभी तक ऐसा हो रहा है और अभी तक आप लोगों ने कोई सलूशन नहीं ढूंढा. होता रहेगा जब तक कोई सलूशन या कोई एक बंदा स्टेप नहीं लेगा, जब तक गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी. आर्टिस्ट की क्या प्रोटेक्शन है इस वर्ल्ड में? नथिंग. फिल्म मेकर की क्या प्रोटेक्शन है? नथिंग. क्या फैसिलिटेशन है? नथिंग. कुछ भी तो नहीं है. अब कौन कौन बचाएगा इस फिल्म को, कौन चलाएगा? आई मीन लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट ऑन प्रिंसिपल, इट इज़ कम्प्लीटली प्रिपोस्टरस कि दो रिलीजियस बॉडीज बैठ के डिसाइड करेंगे कि फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी. लेकिन इफ दैट मींस कि वो करके रिलीज कर दें और फिल्म लग जाए और हम देख लें, तो मैं कहूंगी ठीक है यार, गिव देम दैट क्लाउड. अच्छा ऑन अ पार्टिंग नोट, मैंने सिर्फ अब आपसे ये सवाल पूछना है, व्हाट डज दिस मीन, ये जो एंटायर सागा है जिंदगी तमाशा को लेके, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा? इट मींस नथिंग. इट मींस नथिंग. इट इज जस्ट अ डिप्रेसिंग स्टार्ट टू द ईयर. I think it's setting a very wrong and That's dangerous exactly, precedent absolutely. for future films. Absolutely. कल को कोई भी फिल्म आती है वो बोलें कि जी एक बार आपने CII Council of Islamic Ideology से अप्रूव करा, सारी फिल्में अब आप अप्रूव करें. अच्छा दूसरी चीज ये है कि मतलब who decides कि क्या चीज जो है वो exactly.
इस्लामी तरीके से वो फिल्म से ड्रामे कल को आप शुरू कर दीजिए कि ड्रामे भी आप अप्रूव करवाएं। ये होगा मेरे पास तुम हो जैसा ड्रामा। आप ये याद रखें, एक बात याद रखें, इस फिल्म के पीछे कोई चैनल सपोर्ट नहीं है, किसी एक चैनल की सपोर्ट नहीं है, वरना शायद इनके पास ये मसल होता कि ये रिलीज कर देते। कैसे करते? जैसे खुदा के लिए के पीछे जियो था उस वक्त, तो जियो अपनी हाइट पे था, प्रीमियम उस पे था, दे हैड इट रिलीज्ड बिकॉज ऑफ कोर्स हसन सबके पीछे से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एवरीबॉडी नोज हाउ टू पुल मसल एंड फ्लेक्स मसल। Right now, Sarmad is an independent filmmaker with absolutely no support from these. Who was going to distribute Zindagi Tamasha then? Independently kar rahe the. There was no support. There was no support, and therefore he is like he needs. ये भी unfair है, ऐसा हो नहीं सकता कि Sarmad किसी channel के पास, network के पास ना गए हों अपनी film लेके। मेरे ख्याल में वो सबके पास गए थे, nobody took it. Nobody took the film also. Because it may not be a commercially exactly. Commercial ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक business decision ली है उन्होंने network से। फिर आप art के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना? अगर आप ये बने हुए हैं कि जी हम सेवियर हैं आर्ट के और हम फिल्में बनाएंगे, तो फिर आप आर्ट के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आर्टिस्ट के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो अपनी जेबें गरम कर रहे। तो बेसिकली इस पूरे जो सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान सरमद कुसट के ही हो रहा है जी। एक तो उन्होंने एक पाकिस्तान में हम अक्सर कहते हैं फिल्म बनाना वैसे ही कितना बड़ा चैलेंज है कि लोगों की मतलब अपनी जमा पूंजी सारी वो लगा देते हैं पैसे रेज करने में फिल्म बनाने के लिए। अलिफ में आप लोग देख भी रहे हैं मोमिन फिल्म बनाने जाता तो उसको 7-8 करोड़ रुपए रेज करना कितना मुश्किल हो रहा है उसके लिए जी। आई होप कि CII ये रिलीज कर दे फिल्म, क्लियरेंस दे इसको। आई होप दैट द गवर्नमेंट ब्लडी हेल ग्रोज अ बैकबोन यार। इट्स ऑल गवर्नमेंट्स, अनफॉर्चूनेटली द पीपल्स पार्टी इन कराची वर द फर्स्ट पीपल टू से ना स्क्रीन करें। कल काफी अप्रोर था ट्विटर पे भी कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन बिलावल भुट्टो आल्सो, वेरी लिबरल पीपल, आई मीन हाउ कैन यू। अच्छा बजाय इसके कि कलेक्टिवली इसका कुछ सलूशन ढूंढें, हल निकालें, वो कह रहे हैं अच्छा ये एक और प्रॉब्लम है एंड वी विल डू अनदर डिटेल्ड एपिसोड ऑन दिस, बैन कर दो सलूशन ये, बैन कर दो। कंक्लूसिवली ये कहना चाहूंगी कि अगर ये फिल्म नहीं रिलीज होती सिनेमाज में, तो आई होप कि इसका अनकट वर्जन सरमद किसी तरह नेटफ्लिक्स को दे दें और ये वहाँ पे रिलीज हो और हम देख सकें। वो भी कहना आसान है कि नेटफ्लिक्स को दे दें, मतलब लेट्स सी, होपफुली किसी तरह से डिजिटल पे अगर आ जाए। नहीं, इट मे नॉट बी अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, मगर दे ही नेटफ्लिक्स मे एज वेल टेक इट। लेट्स सी, लेट्स सी, होपफुली ऐसा हो, बिकॉज़ आई हैव नो डाउट दैट एज अ फिल्म इट विल बी ब्रिलियंट। ठीक है, ऑन दैट नोट इजाजत लेंगे। आप लोग अपने कॉमेंट्स में हमें बताएं कि आपका इस पूरी इंसिडेंट के ऊपर क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है कि अगर ये कोई कसूरवार है इस पूरे इंसिडेंट के लिए तो वो कौन है, क्या ये गवर्नमेंट? और दोबारा हम ये रिट्रीट कर रहे हैं कि इन नो वे आर वी सेइंग के मैसेज के सेंटिमेंट्स को आप क्या कहते हैं अटैक करके या कोई ऐसी फिल्म बनाएं जिससे इनको तकलीफ हो या जिससे हमारे रिलीजन वो सवाल सॉरी आपकी बात इसलिए मैं काट रहा हूँ, वो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि क्योंकि भाई सेंसर बोर्ड ने अप्रूव की हुई है एग्जैक्टली, तो हमें इतना ट्रस्ट अपनी ही गवर्नमेंट बॉडी में तो रखना चाहिए ना, क्योंकि सेंसर बोर्ड को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है ना, सारे जितने भी लोग सेंसर बोर्ड में होते हैं एक अथॉरिटी है, वो ऐसे थोड़ी किसी ने मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि जी आओ सेंसर बोर्ड बना दे तो सेंसर बोर्ड बन जाता है। तो अगर एक रेप्यूटेबल अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है जी, तो फिर हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरे ख्याल में फिल्म देखने का वेट करना चाहिए। ऑन दैट थॉट वी लिविंग यू, ज़रूर अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। हम इंशाल्लाह अब आपको मिलेंगे फ्राइडे को वीक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।